अपन को जब डर लगता है ना तब अपन बहुत मार। हाँ यार ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने इसको नहीं चाहा, उन्होंने इसको वही मोड़ दे दिया। पूरा पोटेंशियल था इनके पास, 200 करोड़ का ठीक ठाक बजट था, इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, सबसे बड़ी बात एक न्यूली टच टॉपिक था जिस पर इंडिया ने अभी तक बात नहीं कर रखी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि डिस्टोपिक सोसाइटी को देखने का अपना ही एक अलग मजा होता है, एडवेंचर वाली फील आती है, एंड उसके बाद मूवी की स्टोरी, स्टार कास्ट एंड उनकी एक्टिंग इतनी मैटर नहीं करती, ऑडियंस उसके बिना भी भाई मूवी को एंजॉय कर लेती है। बट उसके ऊपर से नीड यही रहती है कि आपका एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। अगर वो हमें मिल रहा है तो हम क्यों ही चिल्लाएंगे, खुशी खुशी पिक्चर देखेंगे, उसे भूल जाएंगे, फिर घर वापस आ जाएंगे। जैसे कि भाई अपने द रॉक की मूवीज देख लो, जंगल एडवेंचर मूवी पकड़ रखी है जिसमें भाई ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टोरी क्या चल रही है, तुमने कैसी एक्टिंग की है वो भी नजरअंदाज हो जाती है क्योंकि पिक्चर मजा दे रही होती है। बट इसमें भाई क्राइटेरिया यही आता है कि पिक्चर मजा किस चीज में दे रही है, कम से कम तुम्हारा एग्जीक्यूशन तो अच्छा हो उसमें, जिससे लोग आपको समझ पाए, आपके दिखाए गए कैरेक्टर्स को समझ पाए, एंड जो दुनिया आप दिखा रहे हो उस पर विश्वास कर पाए एंड मजे ले पाए। एंड मैं बता रहा हूँ यार, एग्जीक्यूशन के मामले में इन्होंने बिल्कुल बना दी, वो भी भाई कड़वी। मैं तो यार होप कर रहा था कि भाई कुछ तो अच्छा बनाया होगा, इन्होंने कम से कम ऐसे टॉपिक सुनने की हिम्मत करी तो यार कुछ तो अच्छा करा ही होगा। एंड टीजर देखने के बाद मुझे पता चला उतना अच्छा काम भी नहीं किया है इन्होंने। बट भाई ट्रेलर देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई 2070 बस लिखने के लिए लिख दिया, इनका कोई मतलब नहीं बनता मूवी में। कोई भी शॉट देखकर तुम्हारा ऐसा नहीं लगता कि 2070 की दुनिया तुमने बना रखी है, एंड जिनसे लगता भी था वो बिल्कुल नकली लगते हैं। स्टेक्स तो भाई इसके काफी ज्यादा हाई हैं, इन्होंने उस दुनिया को पूरा दिखाने की कोशिश की है, बट यार ये क्रैक नहीं कर पाए कि 2070 की डिस्टोपियन सोसाइटी दिखनी कैसी चाहिए। सीधा सीधा यार यही सीन था कि इतना हाई जाने की क्या जरूरत थी, 200 करोड़ में यार बहुत सी मूवी अच्छी बन रखी है, एंड यार ये भी बनी सकती थी। अभी कुछ दिनों पहले ऐलान मूवी का टीजर आया था जो भाई एलियन को दिखाती है, एंड इसका बजट भाई 100 करोड़ था। उन्होंने क्या ही मस्त काम कर रखा है, बिल्कुल मक्खन काम कर रखा है 100 करोड़ के हिसाब से, एंड बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है उसको देखने में, क्योंकि यार जो दिखाने की जरूरत थी इन्होंने वही दिखाया है, बस अच्छी क्वालिटी में दिखा दिया। एंड अगर तुम इसको देखो तो मुंह में भाई जाता हुआ मोमो भी नकली लगता है, स्टाइल मार ही रहे थे भाई असली मोमो से मार लेते, इसमें कितना ही टाइम लगता, उसमें VFX की क्या जरूरत थी। एंड इन सबके ऊपर से यार 2-4 गाने तो तुम मान के ही चलो कि मूवी में होंगे ही होंगे, एंड टिपिकल बॉलीवुड मूवी ये बनने वाली है, यही इसकी सबसे ज्यादा बड़ी कमी है। अगर तुम उस होपलेस दुनिया के टेरर को, वहां की पार्शियलिटी को दिखाना चाह रहे हो तो वो टेरर, वो हार्टलेस थिंग ऑडियंस को फील होनी चाहिए, यहां बैठी ऑडियंस के मुंह से निकलना चाहिए कि यार कैसे जीते होंगे ये लोग उस दुनिया में, कितनी बेकार दुनिया है उनकी, कम से कम ये फीलिंग तो उनके अंदर आनी ही चाहिए। तो यही बात है यार, एग्जीक्यूशन में कमी, ये सारे गाने, फालतू की डायलॉग बाजी, मूवी की इंटेंसिटी, उसकी इतनी भारी भरकम थीम की इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा हद तक कम कर देते हैं, एंड इवेंचुअली ऑडियंस डजंट गिव अ एफ अबाउट दिस वर्ल्ड। नाउ यार अब हम इसकी स्टोरी की बात भी करें तो वो काफी ज्यादा क्लियर ही है, किसी पास के एक्सपेरिमेंट की वजह से गणपत में पावर्स तो होंगी ही, बट अखाड़े में लड़ने वाला फाइटर भी वो बनेगा, तभी वो रूलर उसे अपनी दुनिया में ले जाएगा ग्लेडिएटर बनाने के लिए, जैसे कि भाई अपने हल्क को बनाया गया था थॉर रग्नारॉक मूवी में। हल्क की भाई जैसे तुम पोस्टर देख सकते थे वहां पर, वैसे भाई गणपत का भी साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक मिनट, ये कैंग यहां क्या कर रहा है, कहीं कैंग ही तो नहीं है इस मूवी का मेन विलन, एवेंजर कैंग डायनेस्टी से पहले यार कहीं अपना गणपति इसको ना निपटा दे यार। फिर उसके बाद अपना हीरो वहां भी लड़ेगा, एंड बीच में उसको याद आएगा कि मुझे मेरे लोगों के लिए लड़ाई करनी है, उनकी यार आजादी के लिए लड़ाई करनी है। बट चलो ये सब तो ठीक है, मैं बस एक चीज की दुआ कर रहा हूँ कि बस वो मत करना कि यार ये टूर्नामेंट में जीत गया तो मेरे लोगों की आजादी और इज्जत मेरे नाम हो जाएगी। भाई प्लीज मुझे वो नहीं देखना है भाई, इतने सस्ते में इसको डिस्टोपियन सोसाइटी को मत निपटा देना प्लीज यार। एट द एंड यार मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इसके लिए उम्मीद तो नहीं रख रहा हूँ, बट यार मैं इसके लिए क्यूरियस हूँ कि इसके बाद ये लोग क्या क्या कर सकते हैं, एंड कुछ नहीं तो यार इतनी बुराइयों में कुछ तो अच्छाइयां होंगी ना, एंड उन दोनों के लिए मैं ओपन माइंडेड हूं, कितना बुरा ये लोग और जा सकते हैं या फिर इतने बुरे में क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, मैं सब देखने के लिए तैयार हूं। चलो यार अब आप बताना आपको कैसा लगा ट्रेलर देखकर, थोड़ा बहुत भी एक्साइटेड हो या नहीं हो मूवी के लिए। और हां भाई इसके साथ ही 19 तारीख को लियो भी आ रही है जिसके ट्रेलर के बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर रखी है, तो जरूर जाकर चेकआउट करना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।